हेलो गाइस, दिलजीत दवा खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने दवा खाना इसलिए बोला है क्योंकि आज इसमें जो चीजें पड़ रही हैं वो किसी दवाई से कम नहीं है। सो इसलिए इसका नाम आज जो हमारी रेसिपी बन रही है, ये बन रही है दिलजीत दवा खाना लैब में। सो इस लेबोरेटरी में आज बनाया जा रहा है नवरत्न वेज पुलाव तवा जाफरानी मुंबई पंजाब। जी हाँ, इस जो डिश आज बनेगी उसका ये नाम है। वैसे तो ये डिश तवे पे बननी चाहिए, तवा पुलाव टाइप्स, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा तवा नहीं है, हम कौन सा थे पाव भाजियां तलते हैं। तो आज हमने चौड़ों को पहले उबाल लिया। ये देखिए, बहुत ही अच्छे उबले हुए चावल हमारे पास पड़े हैं ऑलरेडी, और अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी डिश। सो आर यू गाइज रेडी? माय गॉड, दो चीजें हम भूल गए थे, एक है हमारा ऑलिव ऑयल और दूसरा है दूध में डला हुआ केसर। सो केसर वाला दूध ये भी डलेगा? जी हाँ बिल्कुल डलेगा, क्यों नहीं डलेगा। तो ये तवा पुलाव हमारा है तो इंग्रेडिएंट्स भी हमारे होंगे, इसीलिए मैंने बोला था दिलजीत दवा खाना आज। ये केसर किसी दवा से कम थोड़ी है, ये जो हमारी टर्मरिक है ये किसी दवा से कम थोड़ी है, या इसका तो मैं अब कहने नहीं चाहता हूँ कुछ, ये तो बहुत शरारती है। और हींग हमारी दिख नहीं रही है भाई, ये भी आपको मैं न्यूज़ बता दूँ कि हींग जो है वो गुस्से होके अपने घर में चली गई है। कहाँ जाती होती हैं लड़कियाँ? ससुराल के पेके, ससुराल नहीं पेके, हाँ पेके चली गई है हींग। और आज इस लेबोरेटरी में बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली है, मैं अभी शुरू करता हूँ बस। पेके जान वाली है हो, आय हाय जी किन्ना, मैं क्या जी किन्ना, आय हाय जी किन्ना चिर लाऊंगे। तो ये गाना था हींग के लिए जीरे की तरफ से। और यहाँ हमने आग लगा दी है और ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब आग तो भाई यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है, पता नहीं किच्छे किच्छे तक आग लगी हुई है, और भी बड़ी जगह आग लगी है, पर फिलहाल हमने अपने चूल्हे में आग लगा दी है। जीरे को डाल के हमने बहुत ही मोटा कटा हुआ प्याज डाल दिया है। आप बारीक कटा हुआ प्याज डालना, आप मोटा कटा हुआ मत डालना। मुझे प्याज काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा प्याज मोटा कटा हुआ है। सो जीरे के बाद आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। जी हाँ, अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये कुड़िए नहीं थारी तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पड़ते सारे मेरे टाउन दे, तब तक ना ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको हमने भूने जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब हमने इसमें कैप्सिकम और मटर और छोटी हरी मिर्ची वो भी डाल दी है। अब हम इसका रीमिक्स बनाएंगे, अच्छे वाला रीमिक्स, हम किसी पुराने गाने को उठा के नहीं बनाएंगे, अपना नवा। दो मिनट बाद अब हम इसमें अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो डाल देंगे। ये बहुत है, इतनी डाल दें आप बारीक बारीक काटें, मेरे पास टाइम घट था, मैंने नहाना भी था, भूख भी लगी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे काट लिए हैं। जी हाँ, हमने इसको ढक दिया है और अब हम भविष्य भी बताएंगे। अब भविष्य ये कह रहा है कि आधे घंटे में ये जो सब समा रहा है ये मेरे टीट में होगा। तो हाल दिल का इधर हो रहा है, बुके उधर नहीं हो रहा, वो हाल इधर वन साइडेड लव चल रहा महाराज, हासे भी आ रहे हैं, पुठे का ना करो। फिसू फिसू करते हुए टमाटरों के ऊपर हमने जो हमारी पहली दवा है, हमारी हल्दी, दिलजी दवा खाना, उसकी जो पहली दवाई थी वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसको हला देंगे। ये देखो क्या खूबसूरत क्या लग रहा है, मुझे लगता है मुझे सब्जियों से प्यार हो गया है। और थोड़ी सी अंग अंग फड़के वाली चीज ये भी हम डाल देते हैं, बताना जरा कितनी डालें, तो ज्यादा ना पाए हर प्यारे मसाले में। अब हम डाल देते हैं आलू। आलू आज हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसका कहीं कड़ा ना बढ़ जाए। जब मैं काटने भी लगा इसको तो ये कट नहीं रहा था, पुर रहा था, तो पुरता पुरते आलू को जरा बचाते हुए इसके ऊपर मसाले को काठा कर दें। क्या बात है, अब आप इसको निकाल के खा भी सकते हैं रोटी के साथ। ये देखो एक अलग सब्जी और बन गई है, क्या बात है हमारी महाराज, हम एक सब्जी नहीं बनाते हैं, बनाते बनाते बहुत कुछ बना जाते हैं। और अब बारी है एक मेन इंग्रेडिएंट की, इसका नाम है पाव भाजी मसाला। सो भाजी एनू तुसी पा दो। जी हाँ, ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारे नवरत्न तवा पुलाव, क्या नाम था, बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, भूल गया मैं, बाद में बताता हूँ, पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ। अब हरम जी ए सब्जी क्या बनाई, नहीं नहीं सॉरी सर, जो स्मेल आ रही है ना, जो मजे आ रहे हैं, ओए 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 ओए, मैं तुम्हें दस नहीं सकता कितनी मजेदार स्मेल आ रही है। आई एम सो सॉरी गाइस, यू गाइस आर वेरी फार अवे, नहीं तो मैं आपको खिलाता सॉरी अभी मैं खुद ही खा लूंगा और मैं आपको खा के बताऊंगा।
ओके, तो अब हमने इसमें हमारे से पहले से बने हुए जो चावल हैं वो हमने इसमें सीट देने हैं, और नमक भी डालना है, अभी तक हमने नमक नहीं डाला। लो गाइस, रंग देखो, बहुत ही प्यारा कलर निकल के आया है, और अब हम इसको 2 मिनट और ढक के पकाएंगे। हमारे पास अभी धनिया बड़ा है, पुदीना बड़ा है, जिससे मुझे बहुत ही प्यार हो गया है, वो भी हम इसमें बाद में डालेंगे। और एक चीज हमारे पास और पड़ी है, रुको रुको रुको, हाँ, ये केसर वाला दूध भी आप इसमें ऐसे डाल दें। आप कह रहे हो कि कर क्या रहा है, ओहो जो स्मेल आ रही है ना, ओहो शिट ब्रो, 2 चीजें तो भूल गई, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं 2 इंग्रेडिएंट्स भूल गया हूं। मैंने एक तो लैची कूट के रखी थी और थोड़ा सा दही भी डालना था, ये भी मैं भूल गया हूं। सो 2 चीजें रह गई हैं, लेकिन जो स्मेल आ रही है, पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है कि यहां से चिकन की बोटी निकलेगी और यहां से निकलेगी, पता नहीं ऐसा क्यों। वैसे मैंने छोड़ दिया, मैं खाता नहीं हूं अब। अब हम इसको ढक के थोड़ा और पका लेंगे। Oh guys, look at this beauty. I need my spoon. Ready है? नवरत्न तवा पुलाव जाफरानी मुंबई पंजाब सारा खुशी। So guys, क्या महके आ रही हैं और क्या चहक चहक रही है मेरी जो तवा बिरयानी है। आप भी इसको घर पे ट्राई करें, बहुत मजा आएगा। ठंडी ठंडी दही के साथ आप खाएं, आपको बड़े मजे आएंगे।